नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्नैपचैट का मालिक कौन है, ये किस देश और कहां का ऐप है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहाँ मैसेजिंग की दुनिया में व्हाट्सएप वादसाहत कायम किए हुए हैं, वही स्नैपचैट अपनी अलग अंदाज की फोटोग्राफी और लोकप्रिय फिल्टर्स के लिए पहचाना जाता है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप में स्नैपचैट आज के युवाओं की पहली पसंद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के ज़्यादातर यूजर्स सेल्फी लेना पसंद करते हैं और अपनी सेल्फी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं। ऐसे यूजर्स के लिए स्नैपचैट काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे ना केवल अपने फोटो में फिल्टर्स लगा सकते हैं बल्कि अलग अलग फिल्टर्स के साथ शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी पता होगा, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान फेसबुक का है, क्योंकि आधे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप फेसबुक के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी फेसबुक के अधीन है। इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग है। जब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था तब इनके ओनर कोई और थे, लेकिन फेसबुक के मालिक ने इन्हें $1 बिलियन का ऑफर देकर इन्हें खरीद लिया है। हालांकि स्नैपचैट फिलहाल एक स्वतंत्र कंपनी है जिसे तीन दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मुख्य तौर पर यह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है और इस स्नैपचैट के मालिक इवन स्पाइजल, बॉबी मुर्फी, रिजी ब्राउन है। यह तीनों लोग अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। इन्होंने स्नैपचैट की शुरुआत 16 दिसंबर 2011 में की थी और साथ ही ये अपनी डेवलपर कंपनी स्नैप INC से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्नैपचैट को शुरू करने का आइडिया रिजी ब्राउन का था। रिजी ब्राउन अपने आइडिया के साथ इवन स्पाइजल के पास गए क्योंकि बिजनेस करने की अच्छी समझ थी। अपने आइडिया को दुनिया के सामने लाने के लिए इन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अच्छी कोडिंग जानता हो। इसके बाद ब्राउन और स्पिगल ने बॉबी मुर्फी को अपने साथ शामिल कर लिया क्योंकि मुर्फी कोडिंग जानते थे। इस तरह तीनों ने मिलकर ऐप तैयार किया जिसे शुरुआत में पिकाबो नाम दिया था। पिकाबो को शुरुआत में iOS के लिए लॉन्च किया गया था, हालांकि बाद में तीनों ने इसका नाम बदलकर स्नैपचैट कर दिया। इसे ऑफिशियल रूप से 16 दिसंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप को शुरुआत से ही सफलता मिलती चली गई थी क्योंकि यह उस समय अपनी तरह का अनोखा ऐप था। आज दुनिया में इनके 1 बिलियन से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं और यह ऐप टॉप के मल्टीमीडिया मैसेजिंग एप्लीकेशन में गिना जाता है। चूंकि इस स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पाइजल, बॉबी मुर्फी और रिजी ब्राउन अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने अपनी कंपनी के ऐप की खोज अमेरिकी देश में ही की थी, इस तरह स्नैपचैट एक अमेरिकन ऐप है। वर्तमान समय में इवन स्पाइजल इस कंपनी के CEO है और इसका मुख्यालय सेंटा मोनिका, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि स्नैपचैट का मालिक कौन है, ये किस देश और कहां का ऐप है। आमतौर पर स्नैपचैट का उपयोग फोटोज एवं शॉर्ट वीडियोस बनाने में किया जाता है जिन्हें स्नैप्स कहा जाता है। इस फोटोज एवं वीडियो को इसके फिल्टर्स, इफेक्ट्स एवं ड्राइंग द्वारा एडिट किया जाता है। यह ऐप कितना लोकप्रिय है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर में इसे अब तक 1 बिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। साथ ही इसे 4.3 की काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि स्नैपचैट का मालिक कौन है और ये ऐप किस देश का है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।